आज एक तो आपने कवियों की टीम का चयन बहुत अच्छा किया, मैं इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। दोनों नौजवानों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और भविष्य की संभावनाएं मुझे दिखती हैं इनमें। ये जिंदगी पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे तो और अच्छा सुनाएंगे, और अच्छा लिखेंगे। हम भी ऐसे दौर में थे, अवसर मिला तो धीरे धीरे आगे बढ़े। बिल्कुल, वरना तो आजकल ऐसे कवि सम्मेलन हो गए। प्रदीप पवार जी, अभी एक कवि सम्मेलन में ऐसा फंसा मैं, कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी, वंदना के बोल थे माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। लोग कहते हैं संपत सरल जी आपके दो चार ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुए, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। कार्यक्रम वो अच्छा होता है जिसमें कवियों को अच्छा लगता है, और आज तो अगर परिस्थितियां विपरीत थी, वरना जब कवि सम्मेलन में आओ तो सपरिवार आया करो, उससे कवि लोग भी अंकुश में रहते हैं, फिर वो हल्का फुल्का ही बोलेंगे, हल्का नहीं बोलेंगे। जब सामने माताएं बहने बैठी, और वैसे भी एक निवेदन कर दूं, देखो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मन की बात महिलाओं को देखो कितना हल्के में ले रहे हैं सारे कवि लोग। ऐसा नहीं है, स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हांकते हुए कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं की। बाकी सब चीजें अपनी जगह चलती रहती है। एक रचना में सुना देता हूं। पुराना जो समय था उसमें सुविधाएं कम थी लेकिन सुख बहुत था, संघर्ष और चुनौतियां थी तो रोमांच भी था। आज हम जिस दौर में आ गए वहां सुविधाएं खूब है, सुख शून्य हो गया, और संघर्ष और चुनौतियां हैं तो ढिढाल हो जाते हैं, उसका आनंद नहीं लेते, संघर्ष नहीं करते हैं।